अवेयर है, अब मैं जा रहा हूँ कर्टेन के पीछे। ऑल द बेस्ट गाइस, ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट। यार शुरू करते हैं बिना किसी डेडिकेशन के। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, एक और नए दिन की शुरुआत। और आज मैं बात करने वाला हूँ इंश्योरेंस पॉलिसीज की। कोविड के बाद इंश्योरेंस पॉलिसीज बहुत ही ज़्यादा महंगी होती जा रही हैं, प्रीमियम बहुत ही बढ़ता चला जा रहा है। इनफैक्ट अगर आप ऑफिस में काम कर रहे हैं, कॉर्पोरेट ग्रुप हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी है तो आई थिंक वो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि अगर आप जब तक ऑफिस में हैं तो आपको ज़्यादा पैसे या हो सकता है ऑफिस वाले फ्री में ही आपको कवरेज दे रहे हों और आपके माता पिता की कवरेज भी दे रहे हों। लेकिन अगर आप पर्सनली अब पॉलिसी लेते हैं हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी तो बहुत ही महंगा पड़ने वाला है आपको। अभी मुझे रिसेंटली पता चला कि अगर आप पॉलिसी ले रहे हैं तो वो पहले वाली बात नहीं है कि आपको 20,000-30,000 रुपये पर एनम पे पॉलिसी इजीली मिल जाए बाकी कवरेज के साथ। डिपेंड करता है कि 4-6 लाख तो आप सम एश्योर्ड लेंगे ही लेंगे। तो ये मुझे रियलाइजेशन हुआ कि भाई ज़माना बदल गया है। और ज़माना क्या है, ये कोविड के बाद जितनी भी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसीज हैं इनको, इनफैक्ट हेल्थ इंश्योरेंस कंपनीज हैं इनको बहुत सारा नुकसान हो गया है। और वो नुकसान को भरपाई करने के लिए, पूरा करने के लिए अब इन लोगों ने अपने जो प्रीमियम है उसको बढ़ाना शुरू कर दिया है। इसी वजह से ये सारी पॉलिसीज महंगी होती जा रही हैं। तो मुझे लगा एक बार क्यों ना आप भी अपनी पॉलिसी उठा के देखें कि आपका रिन्यूअल अगर पर्सनल पॉलिसी का आ रहा है हेल्थ इंश्योरेंस का, क्या सच में ऐसा हुआ है या मुझे ही ऐसा फील हो रहा है कि हेल्थ इंश्योरेंस के प्रीमियम बढ़ गए हैं। मैं घर आ गया हूँ और घर आने के बाद सन्नाटा, क्योंकि एक दो बार बेल बजाने के बाद ये पता चला कि भाई घर के अंदर कोई है ही नहीं। तो हो सकता है संगी और रावी पार्क वॉक करने के लिए गए हों या फिर गौतम साहब के यहाँ चले गए हों। तो मुझे लगा क्यों ना कुछ प्रैंक किया जाए अगर उनको ये ना पता चले कि मैं आ चुका हूँ, क्योंकि की मेरे पास थी, मैं अंदर आ चुका हूँ। तो मैं सोच रहा हूँ या तो मैं इस रूम के अंदर इस कर्टन के पीछे छुप जाऊँगा ऐसे करके, और जैसे ही वो अंदर आएंगे तो मैं बाहर आ जाऊंगा। लेकिन चांसेस ये हैं कि उनको पता ही चल जाएगा कि मैं आ गया हूँ। शाणे हैं मेरे, मेरी फैमिली के ही हैं। लेकिन अगर नहीं पता चलता तो मुझे पहले पता चल जाएगा कि वो आ रहे हैं, क्योंकि यहाँ कैमरा लगा है। मैं दिखाता हूँ आपको, ये देखो, ये स्क्रीन से मुझे पता चल जाएगा जब वो स्ट्रेट चढ़ रहे होंगे। और मैं जानबूझ के क्या करूँगा, ये जो डोर है ये ऐसे रहने दूंगा ताकि वो लोग अपने आप खुद खोलेंगे। अगर उन्होंने बेल बजाई इसका मतलब उनको पता चल गया है कि मैं आ चुका हूँ। और अगर उन्होंने अपने आप ही की से ओपन किया, उस कंडीशन में मैं यहाँ छुपा रहूँगा। लेकिन ये है कि जब मैं यहाँ से निकलूँगा तो मैं मोबाइल लेके निकलूँगा ताकि उनका रिएक्शन दिख पाए कि वो डरे हैं या क्या है। आई डोंट नो ये हो पाएगा कि नहीं, क्योंकि मुझे ये नहीं पता कि वो लोग मुझे फ़ोन ना कर दें आने से पहले कि हम आ रहे हैं या फिर तुम आ गए हो। लेट्स सी। भाई साहब अभी आवी का फ़ोन आ गया था कि कहाँ हो। बड़ी मुश्किल से मैनेज किया मैंने आवाज़ थोड़ी धीरे करके कि मैं रास्ते में हूँ। बोल रहा है कब आओगे, मैंने कहा बस आ जाऊँगा 10-15 मिनट में। बोल रहा है हम भी आ जाएंगे 10-15 मिनट में, बस मेरी कार पर नज़र ना जाए तो सब बढ़िया हो जाएगा। अगर कार पर नज़र गई तो सब फ्लॉप, जितना भी अभी तक बोला वीडियो में सब फ्लॉप हो जाएगा। लेकिन अगर कार पे नज़र नहीं गई तो इस कर्टेन के पीछे मैं छुपने वाला हूँ और वो लोग आने वाले हैं उस गेट से। इंटरेस्टिंग हो जाएगा, मुझे पता है वो डिलीट ना करवा दें। अगर ज़्यादा डर गए ना वो बोलेंगे डिलीट करो डालना मत। देखेंगे, कर लेंगे कुछ थोड़ा बहुत। बस ये है कि देखें ना कि मैं ऑलरेडी आ चुका हूँ, मेरी कार ना देखें बस।
मुझे दो लाइटें बंद करनी पड़ेगी, क्योंकि जब मैं आया था तो ये दोनों बंद थी और एक ये भी बंद थी। और सबसे बड़ी बात, मुझे ये कैमरा भी बंद करना पड़ेगा क्योंकि ये भी बंद था। लेकिन मैं बंद तब करूँगा जब मुझे दिख जाएंगे इसके अंदर। बट एक बात क्लियर है, अगर इन्होंने बेल बजाई तो इसका मतलब समझ में आ जाएगा कि उन्होंने मेरी गाड़ी देख ली है और वो बेल बजा के चाह रहे हैं कि मैं अंदर से डोर ओपन करूँ। और अगर उन्होंने आते ही चाबी लगा के डोर ओपन करना शुरू कर दिया तो मतलब वो तो डरने वाले हैं आज। देखो वहाँ से एंगल कैसा आ रहा है, या कर्टेन के पीछे से कहीं उनको पता ना चल जाए। यहाँ से बनाता हूँ एंगल, इसमें छुपा के दिख तो रहा है थोड़ा थोड़ा। आए तो नहीं, अभी नहीं आए, लेकिन अगर मैंने इसको ऐसे कर दिया तो उनको पता नहीं चल जाएगा। हाँ ऐसे रख लेते हैं, ये ठीक है, दिस इज बेटर। हाँ कौन आती कर्टेन पर नज़र डालता है, वैसे भी हल्का सा ही खोला है मैंने। और जैसे ही आएंगे फिर उसके बाद मैं ऐसे कर दूँगा, फिर देखिए उनका रिएक्शन क्या आता है, देखते हैं। आ गए आ गए आ गए, ये देखो आ गए, अब यार है, अब मैं जा रहा हूँ कर्टेन के पीछे। ऑल द बेस्ट गाइस, ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट। तुम्हें बेल ना बजाए, बस बेल ना बजाए। बजा दी, ओह माय गॉड, इसने बेल बजा दी, पता चल क्यूटू। क्या खराब करना चाह रहे हो, बेल खराब करना चाह रहे हो? आ गया टिल्लू, कहाँ गया था, हैं कहाँ गया था? और आपको पता कैसे चला मैं आ गया हूँ? गाड़ी देख ली है ना बेटा, बेटा उठ, पापा पापा गाड़ी देख, बेटा बेटा उठ, पापा पापा गाड़ी देख ली, बेटा बेटा होता है पापा पापा, पापा पापा होता है। बासु बासु मत कर रवि, देखो सबे तो हेल्दी में आता है संगी, खा सकते हैं है ना, तो सबे खाएंगे, हेल्दी है। बाय, मार दिया। आप भी महाराज भागे हैं कैच लेने के लिए। ये मैं आपको थोड़ा अंदाजा दे सकता हूँ लेकिन पूरी तरह नहीं बता सकता कि मैं देर करता नहीं।